स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी के बाजारों की सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। हम इस समय दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद है और आप यहां पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के जो इंतज़ाम किए गए हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। यहां देखिए कि यहां पर मार्केट के एंट्री पॉइंट पर ही DFMD यानी कि डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, जहाँ पर जो भी लोग मार्केट के अंदर प्रवेश करते हैं उनको अच्छी तरह से चेक किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो पूरा प्रवेश द्वार है यहाँ पर बैरिकेड कर दिए गए हैं। बीच वाला बैरिकेड सिर्फ इसलिए रोका गया है कि अगर मार्केट के दुकानदार या फिर दिल्ली पुलिस के स्टाफ की जो गाड़ी है जिनकी ड्यूटी यहाँ पर है उनको अगर अंदर आना होगा तो उनको स्टिकर इशू किए गए हैं, वो सब चेक करके और गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा ये मचान भी बनाई गई है जहाँ पर जो कमांडो हैं वो तैनात हैं। ये अर्धसैनिक बल के जो ITBP के जो है जवान हैं यहाँ पर मचान पर तैनात है इस समय। और इसके साथ ही जो मार्केट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने पहले ही बैठक की है और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बताई गई है और साथ ही साथ ये अपील भी की गई है कि दिल्ली पुलिस के साथ अच्छा समन्वय बनाकर ही चलें, जिससे कि जो नापाक इरादों के साथ आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देने की सोच रहे हैं वो सफल ना हो पाए और राजधानी में जो स्वतंत्रता दिवस समारोह है वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी यहाँ पे लगा है, साथ में CCTV कैमरे भी हैं। लगातार यहाँ पर लाउड स्पीकर के माध्यम से जनता के बीच ये अपील की जा रही है कि वे आसपास में ध्यान रखें कि कोई भी लावारिश वस्तु या संदिग्ध वस्तु ना हो, अगर ऐसी कोई वस्तु दिखाई देती है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। साथ ही साथ जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका भी पालन किया जाए, उस बारे में भी लगातार अनाउंस किया जा रहा है। इसके अलावा CCTV कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। पूरी मार्केट में कई पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उनसे भी लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। हम इस समय सरोजनी नगर मार्केट के अंदर मौजूद हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे पुलिस बूथ है जहाँ पर मार्केट के जितने भी CCTV कैमरे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। खुद सरोजनी नगर के SHO भी इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं CCTV कैमरों की कि मार्केट में कहाँ पर क्या गतिविधि चल रही है। यहाँ पर जो अभी हमारे को जानकारी मिली है मार्केट में चारों तरफ और मेन रोड पर 78 CCTV कैमरे हैं जिनकी मॉनिटरिंग इस पुलिस बूथ से चलती है। हमारे साथ मार्केट एसोसिएशन के भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आप? मैं ओमदत शर्मा हूँ, BIPS का प्रेजिडेंट हूँ। 78 कैमरे दिल्ली पुलिस की तरफ से हैं, हर दुकानों में CCTV कैमरे लगे हैं 800 के करीब। सबसे बोला है लावारी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं, हमारे दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब का आदेश है। इस बार सुरक्षा एक अनोखी तरह से करी जा रही है, हमारे DCP साहब, ACP साहब और SHO साहब खुद मुआयना कर रहे हैं सुरक्षा में कोई कमी ना हो। सबसे बोला है लावारी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं, हमारे बीट अफसर को बताएं और दिल्ली पुलिस सिविल में और सारी एजेंसियां आके हमें पूरा सहयोग कर रही हैं और सबके लिए 15 अगस्त मंगलमय हो और सभी की यहां सुरक्षा है। महिला सुरक्षा का भी एक विशेष ध्यान रखा जाता है। हर आने जाने वाले से बोला है कि लावारिस चीज़ों को हाथ नहीं। दुकान पे आप जैसे आप लोगों की दुकानें हैं यहाँ पे, आपको क्या बोला गया अपनी दुकान पे और जो दुकान पे आने वाले लोग हैं उन पे कैसे निगरानी रखनी है, उनको कैसे सुरक्षित रखना है? हमारे यहाँ वॉलेंटियर हैं, 60 वॉलेंटियर हैं जो सिविल में अपना काम भी करते हैं। हर आने जाने वाले के ऊपर निगाह भी रहती है कि सुरक्षा में कोई कमी ना हो, लावारिस चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, कोरोना के नियमों का भी हमें पालन करना है, मास्क के बिना कोई ना आए, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी और सुरक्षा भी ज़रूरी। सबसे पहले सुरक्षा जो है पूरी यहाँ अच्छी व्यवस्था है, सरोजनी नगर जैसी सुरक्षा कहीं नहीं और पूरा सही। तो ये आपने देखा यहाँ पर जो मुख्य द्वार था वहाँ पर भी पुलिस के अच्छे बंदोबस्त थे सुरक्षा को लेकर और CCTV से पल पल की निगरानी यहाँ रखी जा रही है। खुद मार्केट एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी सारी जानकारी दी है कि न केवल दिल्ली पुलिस के जो 78 CCTV कैमरे हैं उनके अलावा भी सभी दुकानदारों ने भी अपने अपने दुकानों के आगे कैमरे लगाए हुए हैं जिनसे हर चप्पे की निगरानी रखी जा रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अभिषेक रावत, ABP News दिल्ली।